हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल नया नाश्ता। और जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये नाश्ता आप बना के तैयार कर सकते हैं। और इस नाश्ते का खास बात यह है कि बिना चटनी के भी इसको खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले लिया है सूजी। सूजी मोटी या बारीक कोई सा भी ले सकते हैं। तो मिक्सी जार में मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे 2 चम्मच हम डाल देंगे बेसन। बेसन डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। आधा कटोरी मैंने डाल दिया है दही और आधा कटोरी डाल दिया है मैंने पानी। तो इसको हम सभी को पीस लेंगे ढक्कन लगाकर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस लिया है। एक बोल में इसको हम निकाल देंगे। अभी ये बहुत ही मोटा है तो मिक्सी जार में थोड़ा सा मेरा बैटर था तो उसको मैंने पानी डाल के सारा अपना बैटर निकाल दिया है। तो देखिए इसकी इस तरीके से हमें बैटर चाहिए, ना हम ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा ये पतला। तो इसको हम साइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम गैस को रख लेंगे एक पैन। पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है तो गैस को हम जला लेंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें हम डाल देंगे जीरा। तो जीरे को अच्छे से हम भून लेंगे। जीरा हमारा भून चुका है तो एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने काट लिया है छोटा छोटा, उसको डाल देंगे। और 2 मैंने हरी मिर्च लिया उसको काट लिया तो उसको हम डाल देंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे। हमें ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, इतना भूनना है कि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम डाल देंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में थोड़ा सा मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम गरम मसाला और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे 3 उबले हुए आलू ले लिया मैंने तो इसको हाथों से इस तरीके से हम तोड़ के डाल देंगे। और इसको हम 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। तो इस तरीके से हम दबाएंगे तो ये बिल्कुल भी ये मैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको दबाते हुए इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भून लूँगी। तो ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है और सभी को बहुत ही पसंद आता है। और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही नाश्ता चटपटा होता है तो ट्राई आप ज़रूर करें। और बनाना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में ये हमारी जो आलू का टिफिन है ये भी तैयार हो गया है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको एक हम बोल में निकाल देंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और अपना बैटर चेक करेंगे। तो ये देखिए अभी ये गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम चला लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा एक चुटकी मीठा सोडा और सोडे को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये देखिए इसका बैटर इस तरीके से है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम गैस को जला लेंगे और आँच को हम कम कर दिया है। अब रख लेंगे पेन। अगर आपके पास इस तरीके का पेन नहीं है तो आप कोई भी पेन में आप बना सकते हैं। और बहुत ही एक हेल्दी नाश्ता है और कम तेल में और कम मसाले में ये बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लगाया है। अब इसका नाप आपको 2-2 चम्मच इसमें मैं भर दूँगी। तो ये नापने से क्या होता है कि जो हम एक साइज़ का ये हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। तो 2-2 चम्मच मैंने चारों खानों में डाल लिया है। अब यहाँ पर मैं ये बेटर हमारा जो टफिन था आलू का वो ठंडा हो गया। तो इस तरीके से हम इसको बना देंगे टिक्की की तरह गोल और इस पे हम रख देंगे। तो इसी तरह हम सारे खाने में अपना बना बना के इस तरीके से रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों में रख दिया है और ऊपर से हम 2-2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे अपन बटर। तो नीचे भी मैंने 2 चम्मच डाला है, ऊपर से भी मैंने 2 चम्मच डाला है। तो ये बिल्कुल फूलेगा तो एक बराबर ये नाश्ता बन के हमारा तैयार होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच सारे पे डाल दिया है। तो इसी तरह इसको छोड़ देंगे कम आँच पे। तो देखिए इसको चेक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल भी आराम से ये पलट जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पलट लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर आया है और देखने में ये टेस्टी लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट है और ये हेल्दी नाश्ता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत कम समय में और कम टाइम में ये बन के तैयार रहता है। और बच्चे बड़े सभी को ये नाश्ता पसंद आता है। और बिना चटनी के साथ खाइए, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से कितना अच्छे से ये सिक गया है। तो इसको हम सारा अपना निकाल देंगे। तो थोड़ी देर के लिए भी देखिए बिल्कुल भी हो गया तो मैं इसको सारा अपना निकाल लूँगी। और इसी तरह हम अपना सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारा बना के तैयार कर लिया है। और बिना चटनी के साथ खाइए, चटनी के साथ भी खाइए, जैसे मन करे आप वैसे इसको खा सकते हैं। और देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी और स्वादिष्ट है। तो ट्राई ज़रूर करें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करके बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी, तब तक के लिए बाय।